क्वेश्चन है, देर आर टू टाउन्स, ए और बी दो टाउन्स हैं, और कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी कैपिटल टी मिनट्स. मतलब यहाँ से जो डिपार्टमेंट है वो एक बस चलाता है, टी मिनट्स के बाद दूसरी बस चलाता है, टी मिनट्स के बाद तीसरी बस चलाता है, टी मिनट्स के बाद चौथी चलाता है, और पूरा दिन चलाता रहता है. फिर टाउन बी से भी सेम सिचुएशन है, यहाँ से भी टी मिनट्स के बाद बस चलती है, फिर टी के बाद फिर बस चलती है, टी के बाद फिर बस चलती है, पूरा दिन चलती रहती है. यहाँ तक बात समझ में आती है? अभी ये दो बसें चली रही थी, एक मैन है जो साइकिलिंग कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी. तो अगर ये टाउन ए है ये बी है, तो एक साइकिल वाला इस तरफ साइकिल करता हुआ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60. अब यार वो नोट करता है जब साइकिल चला रहा है इस तरफ कि मेरे को बसेस क्रॉस कर रही हैं. एक बस निकली, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बस निकली, थोड़ी देर बाद तीसरी बस निकली. तो वो ये नोट करता है कि जब वो साइकिल कर रहा है तो एक बस निकली ए से बी, जब दूसरी बस निकली उसने 18 मिनट लिए उसको क्रॉस करने में, तीसरी बस ने भी 18 मिनट लिए उसको क्रॉस करने में. अब मुझे सिर्फ ये बताओ ये 18 कैसे हो गया? बस सर्विस तो कैपिटल टी मिनट की थी, तो ये 18 कैसे बोल रहा है? उसको तो कैपिटल टी बोलना चाहिए, क्योंकि बस सर्विस तो कैपिटल टी थी. 18 कैसे हो गया? क्योंकि साइक्लिस्ट खुद मूव कर रहा है. भाई अगर तुम बस से दूर भागोगे तो बस तुम्हें जल्दी ओवरटेक कैसे करेगी? फिर तो समय लेगी, फिर दूसरी बस चलेगी तब और समय लेगी. कहने का मतलब अगर ये साइक्लिस्ट खड़ा होता एक स्टॉप पे, हाँ फिर टी मिनट के बाद रेगुलर इंटरवल पे बस आती, पर क्योंकि साइक्लिस्ट खुद चल रहे तो एवरी 18 मिनट के बाद उसको एक बस ओवरटेक करती हुई दिखाई दे रही है. सिर्फ यही नहीं, जो बस इधर से आ रही है बी से ए, वो उसको 6-6 मिनट के बाद ओवरटेकिंग करते दिखाई दे रही है. क्यों? क्योंकि ये साइक्लिस्ट और ये वाली बस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्ट, तो क्रॉसिंग जल्दी जल्दी हो रही है. यहां से आने वाली बस और ये, इसके बीच में क्रॉसिंग लेट हो रही है. समझ में आ रहा है? तो उसने ये नोट करके बताया कि जो बस पीछे से ओवरटेक करती है वो 18 मिनट में ओवरटेक करती है, जो आगे से आती है वो 6 मिनट में ओवरटेक करती है. और बस चलाने वाला डिपार्टमेंट कहते हैं हम तो कैपिटल टी टाइम में रेगुलर सर्विस चला रहे हैं. तो क्वेश्चन है, कैपिटल टी निकाल दो आंसर क्या है. ठीक है, तो प्रॉब्लम समझना ही एक प्रॉब्लम है इसमें. तो पहले तो सॉल्यूशन तो बात की बात है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बड़े आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ. तुम कुछ क्वेश्चन पूछना साइक्लिस्ट से, बस के ड्राइवर से और साइक्लिस्ट से, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा. चलो पहला क्वेश्चन पूछो कि तुम एक साइक्लिस्ट से क्वेश्चन पूछो, साइक्लिस्ट यहाँ जा रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी, 20, बस की स्पीड मुझे पता नहीं, तो बस की स्पीड मान लो वी है, तो इसकी स्पीड वी है, इसकी स्पीड 20 है. बस साइक्लिस्ट को क्या करेगी? तो ओवरटेकिंग में बस साइक्लिस्ट को किस पे मानेगी? एट रेस्ट. तो क्या करेगी? बस अपनी वेलोसिटी में से साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को माइनस करेगी. बस की स्पीड क्या है? वी. साइक्लिस्ट की 20. तो ओवरटेकिंग वेलोसिटी वी माइनस, तो बस अब यानी कि वी माइनस 20 से अगर ओवरटेक करती है तो साइक्लिस्ट एज्यूमिंग इज लाइंग एट रेस्ट. सही है, तो वी माइनस 20 आ गया. अब साइक्लिस्ट से पूछो कि भाई तू ये बता कि जब एक बस तेरे को क्रॉस करती है और जब दूसरी बस तेरे को क्रॉस करती है, दोनों में टाइम इंटरवल कितना है? वो क्या कहता है? 18 मिनट. 18 मिनट को 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या करता है? रिलेटिव वेलोसिटी को, जो बस की स्पीड है यानी कि विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट लाइंग एट रेस्ट, तो बस जब क्रॉस करती है फिर दूसरी बस क्रॉस करती है, पहली और दूसरी मिनट में जो बस है उसमें टाइम कितना है? 18 मिनट है. तो वो क्या करता है? बस की स्पीड रिलेटिव को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेता है. तो साइक्लिस्ट कहता है देखो मुझे ऐसा लगता है दो बसों में, जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, दो बसों में डिस्टेंस, दूरी कितनी है? इतनी दूरी है. एस इज इक्वल टू वी टी. तो बस की स्पीड इतनी है, साइक्लिस्ट तो रेस्ट पे ही है, बस की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया दो बसों के टाइम से, तो दो बसों के बीच में क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया. क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? दो बसेस में डिस्टेंस इतना होगा. सही है, देख लो. तो ये वी है, ये 20 है, इसको रेस्ट पे मान लिया, वी माइनस 20 है, वी माइनस 20 से बस आ रही है रेस्ट पे है और कुछ दूरी कवर करती है, तो ये दूरी 18 मिनट में कवर होती है,
तो v माइनस 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूरी आ गई बस की, तो बस की दूरी आ गई। अब सेम क्वेश्चन पूछो, साइक्लिस्ट को छोड़ो, आप डिपार्टमेंट जो बस चला रहा है उसको ड्राइवर से पूछो, भाई तू क्या कहता है, तू बता दो बसों में दूरी कितनी है। वो कहता है मेरे को अगर पता साइक्लिस्ट है कि नहीं, मेरे को तो ये पता है कि दो बसों में दूरी का टाइम कितना है, कैपिटल टी है जी, क्योंकि कैपिटल टी टाइम में बस चलती है और मेरी बस की स्पीड तो वी है, तो कैपिटल टी टाइम में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, वी इंटू कैपिटल टी बाई 60, ये आर्स में कन्वर्ट किया है। तो दो बसों में दूरी ड्राइवर का क्या बोलता है, दो बसेस में दूरी इतनी है, लेकिन दो बसों की दूरी तो बराबर ही रहेगी ना, चाहे आंसर साइक्लिस्ट से चाहे आंसर बस का ड्राइवर दे। तो साइक्लिस्ट ने ये आंसर दिया था, बस के ड्राइवर ने अपनी कैलकुलेशन लगा के बिना रिलेटिव वेलोसिटी के सेम आंसर दिया, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, दो बसेस का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों को उठा के क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, कोई डाउट इसमें। तो एक बार s इज इक्वल टू vt रिलेटिव वेलोसिटी से लगाई गई साइक्लिस्ट और बस को लेके, साइक्लिस्ट बस का टाइम 18 था, और एक बार सिर्फ बस बस को लेके, बस बस के बीच में टाइम कितना है, टी है। तो क्या ये पहली क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन आपने साइक्लिस्ट से फिर पूछा, अब तू ये बता कि तू इधर जा रहा है और बस इधर जा रही है, तो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वो बोलता है वी प्लस 20, वी प्लस 20, तो ओवरटेकिंग का टाइम क्या है, 6 मिनट, 6 को 60 से डिवाइड किया, एस इक्वल टू वी टी, तो जो बस ऑपोजिट आ रही है, ऑपोजिट के हिसाब से डिस्टेंस कवर कितना है, दो बस में डिस्टेंस कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन बस का ड्राइवर क्या कहता है, अभी मेरा आंसर तो सेम ही है, वी इंटू टी बाई 60। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन को डिवाइड कर लें, ये राइट वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये आ गया, सॉल्व करके v आ जाएगा, v को किसी भी ऊपर इक्वेशन में पुट करके t आ जाएगा आंसर, टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है,